आज मैं आपको ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूं जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये बात सच है, मैं इसको कई महीनों से कई सालों से यूज कर रहा हूं, मुझे आज तक धोखा नहीं आया। जब भी ये सेटअप बनता है जबरदस्त प्रॉफिट देता है, कभी कभी मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे दे सकता है, और जब भी ये सेटअप होता है तो लॉस क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग में वो 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता, ये बात सच भी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी मुझे हमेशा ही प्रॉफिट देता है जब भी ये बनता है तो, आइए मुझे लगता है ऑलमोस्ट रेगुलर ही बनता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आपका लाइफ में जितना भी लॉस हुआ होगा लेकिन ये स्ट्रेटजी आप सीख जाते तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ मेरा भाई जितना लॉस भी रिकवर हो जाएगा आपका, ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप एक बेस्ट ट्रेडर भी आप बन सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। बस स्ट्रेटजी को मैं जैसे बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, एक सही सेटअप पर सही जगह ये स्ट्रेटजी बनता है और उसको फॉलो कर दो तो प्रॉफिट में 99% दावे के साथ बोलता हूँ बनेगा ही बनेगा, क्यों मुझे आज तक धोखा नहीं दिया है तो आपको भी नहीं देगा। तो इस चीज़ों को लास्ट तक, ये वीडियो को लास्ट तक बने रहना, देखना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखा मिलेगा। अगर ये स्टेज ऊपर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही जानलेवा साबित होता है शेयर मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको भी पता है कि शेयर मार्केट, और दोस्तों आपको पता है कि ट्रेडर सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं स्टार्टिंग में, न्यू ट्रेडर को गलती करते सबसे ज़्यादा करते ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड, मेरा एक कलीग दोस्त था, एक दिन में वो 58 ट्रेड लिए थे, एक दिन के बाद बता रहा हूँ, वो एक दिन में 58 ट्रेड तो ब्रोकर को ऑलमोस्ट 2000 रुपये दे दिया था। ये गलती आप भी करते होंगे अगर मार्केट में न्यू होंगे, कि आप जितना कमाते नहीं होंगे उतना आप ब्रोकर को दे देते हो, आपका लॉस भी होता होगा फिर भी आपको ब्रोकर को देना ही पड़ता। अगर आपका लॉस हो जाता होगा देखते हो जहाँ आप उसको रिकवर करते होंगे, इसके रिकवर के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठते होंगे, आज दिन में 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड भी ले लेते होंगे, जिसका आपके लॉस तो आपका 1000 रुपया होगा और आपको 1500 का ब्रोकर चार्ज भी देना पड़ता होगा, डबल पैसा आपको देना पड़ता है। ये गलती सब करते न्यू ट्रेडर और ट्रेड रियल में जो हम लोग से भी ये गलती हो जाता है। तो मैं आपको एक क्यों ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए ब्रोकर चार्ज है वो हमेशा ख़त्म कर दूँ आपके लाइफ से। आप देखते हैं अदर कंपनी है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, इंटर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकर चार्ज कितना लगता है, 20 रुपया। आप बाई करते होंगे तो 20 रुपया लगता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग इंटर ट्रेडिंग में, सेल करते होंगे तो 20 रुपया लगता होता हो, 40 रुपया आपको एक बार में बाई सेल करने में लगता है। एक बार में आप जितना लोगे तो आपको 40 रुपये का मल्टीप्लाई कर लो कितना हो सकता है, आप देख लेना, और भी बहुत चार्ज होता है लेकिन समझ लो कितना हो सकता है। मतलब आप 10 ट्रेड भी कर लिए तो ऑलमोस्ट आप मल्टीप्लाई कर लो आपके आपका कितना ट्रेड हो, कितना रुपये आपको देना पड़ेगा ब्रोकर को, 10 ट्रेड भी लिए तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा, समझो। आप बहुत ऐसे लोग इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, 2-3 दिन में आप इतना पैसा ब्रोकर के दे देते हो कि आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको ऐसा क्यों बताऊँ, एक मैं आपको तरीका बताऊँ कि आपका ब्रोकर हमेशा लाइफ टाइम के लिए ख़त्म मैं करवा सकता हूँ, बस एक तरीका है। क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको ज़बरदस्त ब्रोकर का नाम बताता हूँ, ये ब्रोकर ऐसा है कि आपको एक बार प्रीमियम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो आपका एक दिन का लॉस है ना, एक दिन का ब्रोकर चार्ज के बराबर दे देंगे ना, वो फ्री भी है, प्रीमियम वाला है, तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकर चार्ज कभी नहीं देना पड़ेगा। इस कंपनी का नाम है MStock, शायद आपका नाम इसका नाम सुने भी होंगे। तो इस कंपनी का ज़बरदस्त कंपनी है, मैं इसका यूज़ भी किया हूँ और कर भी रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। इसका है कि आप दो तरीका है इसका ओपन करने का, एक है ये, एक है फ्री, एक है 999 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। फ्री में जैसे आप फ्री में ओपन करेंगे, पहले 149 रुपया था अकाउंट ओपनिंग करने के, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी जीरो हो गया कि आप फ्री में ओपन करोगे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन, कि आप फ्री में ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जैसे ब्रोकर चार्ज है, जैसे अदर कंपनी में आप देखते होंगे 20 रुपया बाई करने का लगता है, 20 रुपया सेल करने का लगता है, तो इसमें भी आप फ्री में करोगे तो सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सेम 20 रुपया बाई करने का, 20 रुपया आपको सेल करने का लगेगा, ये इसमें ब्रोकर चार्ज लगता है अगर फ्री में ओपन करते हैं तो। लेकिन ओपनिंग चार्ज 0 रुपया है, कुछ भी नहीं। लेकिन सेम एक तरीका आपको बताता हूँ, अगर आप 999 रुपया जो प्रीमियम है एक बार आप दे देते हैं ये प्रीमियम, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी ब्रोकर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कभी भी नहीं। मतलब सोच लो कि आप दिन में 100 ट्रेड भी करोगे, मतलब दिन में मान लो
अगर आप 100 ट्रेड कर लिए तो ब्रोकर को आप कितना देते होंगे, एग्जांपल की मैं बात करो, इतना कर भी सकता है कोई बंदा ने तो समझ लो आप 4000 दे देता ब्रोकर। मान लो 10 ही ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 10 ट्रेड कर लोगे तो 400 रुपये आपको देना पड़ गया एक दिन में। बहुत कुछ लोग इससे भी ज़्यादा कर ले स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपको एक टाइम दे देंगे तो आपको लैप टाइम के लिए 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा ब्रोकर चार्ज। हमेशा फ्री में दिन में 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, 25 ट्रेड करो, जितना मन उतना करो, कभी भी आपको ब्रोकर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपका पैसा बहुत ही बचेगा। जैसे आप एक तरीका, अब मैं आपको और भी बता रहा हूँ, जैसे आप कभी भी आपका सेटअप काम नहीं किया मान लीजिए, तो बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं अदर ब्रोकर में, इसका कोस्ट टू कोस्ट हट जाता है, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होना नहीं चाहते, क्योंकि यार एग्जिट हो जाएंगे तो मुझे ब्रोकर का पैसा देना पड़ता है। ये अक्सर न्यू ट्रेडर करते हैं, तो चाहते हैं कम से कम 100 रुपये भी प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन 100 रुपये प्रॉफिट आता नहीं और लॉस में चला जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपका सेटअप काम नहीं किया तो आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट भी हो जाएंगे, नहीं तो आपको 1 रुपये नहीं जाएगा नहीं आएगा, मतलब आपको ब्रोकर चार्ज देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये फ़ायदा है ये कंपनी में, मैं यूज किया बहुत ही अच्छा लगा, आप भी करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा इस कंपनी में, और न्यू ट्रेडर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। न्यू ट्रेडर के लिए आपको ये पता है कि 50 रुपया भी बहुत ही वैल्यू होता है, अगर 50 रुपये उसको लॉस हो जाता है तो बहुत ही टेंशन हो जाता है। इसमें आपका ब्रोकर चार्ज बहुत ही बचेगा, बहुत ही आपका ट्रेडिंग के लिए पैसा इससे ही बच जाएगा। सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका लाइफ टाइम के लिए कितना भी ट्रेड करो, लाखों करोड़ों का भी ट्रेड करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए इस कंपनी में, तो जरूर। इसमें देखिए बहुत ही फ़ायदा दिया है कि इस कस्टमर को बहुत ही अच्छा अच्छा फ़ायदा दिया, और भी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि यहाँ पर देखिए कंपनी के एक साल में इसका टर्नओवर 1,40,000 हो गया प्लस, एक साल में इसका कंपनी का टर्न हो गया, कितना फास्ट ग्रो हो रहा है ये आप सोच सकते हो, कितना ज़बरदस्त है। फिर MTF बुक देखिए 260 करोड़ है, अभी तक यहाँ पे 12 करोड़ प्लस ट्रेड हो चुका है यहाँ पे देखिए इतना हो चुका है, 12,000 प्लस ट्रेड वहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक तीन मंथ के अंदर हमारे जैसे रिटेल पब्लिक सबको 72 करोड़ रुपया प्लस सेव करके दिया ब्रोकर चार्ज की वजह से। मतलब अगर मान लीजिए इस दूसरे कंपनी में आप ट्रेड लिया होगा, बहुत ऐसे बंदा ट्रेड किए होंगे, उसको रिटेल का उसको 72 करोड़ रुपया उसको देना पड़ता होगा, मतलब टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ जितना पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जितना भी पब्लिक इसको 72 करोड़ प्लस सेव हुआ है पैसा ब्रोकर नहीं देने से, इतना समझ लो, वो भी तीन मंथ के अंदर, देखिए लास्ट 3 मंथ में, तो सोचो तो एक साल में कितना हो सकता है, ठीक है। कंपनी का रेटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 4 स्टार है, और कंपनी अभी तक इसमें देखिए इसका क्लाइंट होल्डिंग अभी सिर्फ एक साल के अंदर ही 1320 करोड़ प्लस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं देखने को मुझे अच्छा लगा इस कंपनी में कि देखिए ब्रोकर को मतलब पब्लिक को पैसा बहुत ही बच रहा है ब्रोकर चार्ज की वजह से, देखिए इतना बच रहा है 3 मंथ में 72 करोड़ प्लस, तो कम नहीं मेरा भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और कंपनी इतना फास्ट ग्रो कि एक साल में देखो 1,40,000 करोड़ प्लस टर्नओवर हो चुका है। MTF देखिए 260 करोड़ है और अभी इतना 12 करोड़ प्लस ट्रेड हो चुका है और भी होने वाला, आप सोच सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं ट्रेड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा अकाउंट खोल लो। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखते होंगे कभी कभी लोग MTF लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, मतलब ब्रोकर से लेवरेज लो लेते हैं, तो उसका बाद में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये इंडिया के फर्स्ट ऐसे ब्रोकर है कि लेवरेज सबसे कम देते, मतलब लेवरेज चार्ज है नहीं, MTF चार्ज है बहुत ही कम है, 6.99 यहाँ पे देखिए सबसे लो है। आप अदर कंपनी के देखें लेवरेज जो इंटरेस्ट रेट है नहीं बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ये सबसे कम है, इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगा इसमें ओपन करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ओपन करो और फिर अपना भी ट्रेडिंग लाइफ शुरू करो। मैं बहुत ही अच्छा बोलूँगा कि इसमें फ़ायदा मेरा बहुत ही अच्छा ये लगा कि लोगों को पैसा सेव हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार। 1-1 रुपया यहाँ पर से इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए एक साल में 72 करोड़ लोगों को सेव हुआ था, तो ज़रूर ओपन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी स्टार्ट करो, ओपन करने के बाद अपना ट्रेडिंग लाइफ शुरू करो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए
या यहाँ आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं और फी निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इसमें टाइम फ्रेम बता देता हूँ। अगर निफ्टी में करना चाहते हैं तो इसका 3 मिनट में कर सकते हैं, 5 मिनट में इसका टाइम फ्रेम कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। अगर फिन निफ्टी में करेंगे तो फिन निफ्टी में 2-3 मिनट और 5 मिनट में आपको बेस्ट रहेगा। 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना मोमेंटम ज़्यादा नहीं होता निफ्टी बैंक फिन निफ्टी में, इसलिए मैं 3 मिनट और 5 मिनट बेस्ट रहता है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 मिनट में भी कर सकते हैं, निफ्टी में 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट तीनों में कर सकते हैं निफ्टी में। अगेन मैं बता, निफ्टी फिन निफ्टी में। आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से 3 मिनट में भी कर सकते हैं, 3 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट तीनों में कर सकते हैं। और 1 मिनट में जो जो प्रो ट्रेडर है उसके लिए बेस्ट है, न्यू ट्रेडर के लिए जिसका टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट। लेकिन अगर न्यू ट्रेडर हो तो 1 मिनट में गलती से ना करना, मैं बोलूँगा हमेशा आप न्यू ट्रेडर हो तो 5 मिनट में आप इस स्ट्रेटजी को यूज करो। और निफ्टी में करना चाहते हो तो आप 3 मिनट और 5 मिनट का करो, बेस्ट रहेगा अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो। चलिए शुरू करते हैं आप इस कैंडल के, इस स्ट्रेटजी का नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियो बना के डाल चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस तरीका बताऊंगा जिससे आप मास्टर बन सकते हो, पूरा तरीका मैं बताऊंगा। देखो इसका यूज कैसे करना है, जो आज का हाई और लो है, तो आज का हाई के पास अगर बनता है और ऊपर के साइड बनता है तो आप ऊपर के साइड ले सकते हो, जबरदस्त आपको टारगेट मिलेगा ऊपर के साइड। जैसे मार्केट मान लीजिए आज का जो हाई लगाया, हाई ये और हाई ये लगाया, तो मार्केट मान लीजिए नीचे गिरा, यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर इसको ब्रेक करता है तो वहाँ पर ट्रेड ले हुए तो अब जबरदस्त आपको टारगेट मिलेगा। उसी प्रकार आज का जो लो है अगर यहाँ पे बनता है इनसाइड कैंडल और नीचे ब्रेक करता है तो जबरदस्त टारगेट आपको मिलेगा, बहुत ही 1:2, 1:3, 1:4 भी उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। कल का भी जो हाई और लो होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसको यहाँ पर ब्रेक करता है तो आपको जबरदस्त टारगेट मिलेगा, नीचे में ब्रेक करता है तो आपको जबरदस्त टारगेट मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कल का जो हाई लो है, आज का भी जो हाई लो है, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनता है तो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप नीचे की तरफ भी ले सकते हो और जबरदस्त टारगेट आप नीचे की तरफ, आपको ये सपोर्ट तक आपको मिल सकता है। उसी प्रकार मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता है और ऊपर की तरफ बनता है तो ऊपर की तरफ आप ले सकते हो, तो ये टारगेट आपको जबरदस्त मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, आज के देखिए ये टाइम फ्रेम 3 मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ 3 मिनट में, मैं अब बताता हूँ इसके बाद 5 मिनट में ही बताऊँगा। देखिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद कहाँ बना है, मैं आपको सबसे पहले एक ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है, तो जिससे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के बारे में जानकारी भी हो जाएगा। अगर नहीं भी करते तो वो भी ठीक है, लेकिन आप कर लोगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा, जैसे मान लीजिए मुझे 7 तारीख को पता नहीं कि कहाँ कब मार्केट क्या हुआ तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, आप बोलेंगे ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो 7 तारीख का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में यहाँ पर आपको ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ये मेरा सपोर्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए कल मार्केट मुझे कुछ नहीं पता है, ये मेरा सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट मेरा कौन सा रहेगा, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, ये वाला, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक यहाँ पर आया भी है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप देख लेना, मैं रेगुलर एनालिसिस करके डालता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट, इसका नेक्स्ट सपोर्ट मेरा ये है, तो ये मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन टाइप के बना के दे दिया, इस पर आपको समझ में अच्छा आएगा, ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ और कहाँ, देखिए ओपन होने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया और देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट आपको ऊपर की तरफ इनसाइड कैंडल बनता है तो फर्स्ट कैंडल आपको उसको ग्रीन बनेगा, सेकंड कैंडल उसको रेड बनेगा और थर्ड कैंडल ग्रीन बनेगा। हाँ, ये ऐसा नहीं कि रेड है तो ग्रीन, रेड है तो रेड ही बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, दोनों भी बन सकता है, लेकिन इसका ये कैंडल के जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही जो ग्रीन और रेड कैंडल बनता है उसके अंदर ही होना चाहिए। और जब भी इस रेड और ग्रीन कैंडल जो भी रहेगा, यहाँ पर रेड कैंडल तो रेड कैंडल के हिसाब से बताऊँगा, तो यहाँ पर जब भी इसके अंदर ये कैंडल है रेड कैंडल, जब भी इस रेड कैंडल को ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बता रहा हूँ मैं, तो उस यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं, 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 50% का। और टारगेट आप यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का आप टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इनसाइड कैनल बना है, जबरदस्त टारगेट यहाँ पर मिला है, यहाँ पर आप एंट्री लेते तो 1:3 रेशियो तो आपको इजीली मिल ही गया होगा,
देखो 1:2 से ज़्यादा मिला हुआ है तो जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है मेरे भाई। ये आपको ऊपर की तरफ बना, और नीचे की तरफ आपको लेना है तो देखिए कहाँ पर रेजिस्टेंस, ये गया ऊपर रेजिस्टेंस के पास, देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। फर्स्ट कैंडल आपको इसका क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। दूसरा कैंडल अगर नीचे की तरफ आपको लेना है तो, जब अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरता है तो आपको इस टाइप का बनेगा, फर्स्ट कैंडल रेड बनेगा ये, दूसरा कैंडल ऑलमोस्ट ग्रीन बनेगा, रेड भी बन सकता है लेकिन ज़्यादातर ग्रीन बनेगा, और थर्ड कैंडल आपको रेड बनेगा, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन है ना, ग्रीन रेड कैंडल है ना, तो रेड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और जब भी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता है रेड कैंडल, तो वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, और टारगेट नियर बाय जो भी सपोर्ट है वहाँ तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एंट्री लेते हैं, आपको टारगेट ये ज़बरदस्त मिलता है मेरा भाई। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप एंट्री लेते यहाँ पे, और देखिए हम मेरे हिसाब से 1:4 रेशियो तो आपको मिला ही होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको 1:4 रेशियो, ये आपका स्टॉप लॉस होता, ये आपका टारगेट देखिए मिला कितना, ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे यहीं पे ये सपोर्ट का ही टारगेट लेता तो 1:5 रेशियो यहाँ पे आपको मिला है, कितना 1:5 रेशियो यहाँ पे मिला आपको, देखिए कितना ज़बरदस्त आपको टारगेट यहाँ पे मिला है, और देखिए कितना नीचे गया है, लेकिन हम जो सपोर्ट है वहीं हम टारगेट रखेंगे। फिर अगेन देखिए यहाँ पे भी एक इनसाइड, मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं लिए, अगर एग्जांपल के साथ बोलो यहाँ पे आप इनसाइड कैंडल का ट्रेड नहीं किए, तो यहाँ भी एक इनसाइड कैंडल बना है ये वाला, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो ये जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है मेरा भाई, मुझे धोखा कभी भी नहीं देता। अब याद रखना ये बुलिश के लिए इनसाइड कैंडल है, ये बेरिश के लिए इनसाइड कैंडल है, बेरिश इनसाइड कैंडल है, ये बुलिश इनसाइड कैंडल है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बना के भी दिखा देता हूँ, और आगे भी कि बुलिश इनसाइड कैंडल कैसे आपको दिखेगा। जैसे फर्स्ट कैंडल आपको ऐसा रहेगा, और फर्स्ट कैंडल बुलिश के लिए मैं बोल रहा हूँ ग्रीन रहेगा, गौर से देखना मेरा भाई। और सेकेंड कैंडल आपको रहेगा क्या, रेड रहेगा यहाँ पे इस टाइप का, सॉरी इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का ये रहेगा रेड ऊपर की तरफ, मैं बोल रहा हूँ बुलिश की तरफ रेड रहेगा ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि रेड नहीं रहेगा, ग्रीन भी हो सकता है लेकिन रेड ज़्यादातर ऑलमोस्ट रहेगा। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पे, और जब ये इस ग्रीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल रहेगा बुलिश इनसाइड कैंडल की बात करूँ मैं, जब ये इस रेड कैंडल को ब्रेक करता है तो आपको एंट्री लेना है, आपका स्टॉप लॉस ये लगाना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखिए यहीं पे हुआ है, वीक हो सकता है, देखो वीक हो सकता है, दोनों में वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वीक इसी में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वीक होना हो भी सकता नहीं हो सकता। और जब भी जैसे यहाँ पे देखिए जब भी इसको ब्रेक करता है, आपको एंट्री लेना, स्टॉप लॉस आप ये लगा सकते हो, बड़ा रहेगा तो आप 50% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपका टारगेट नियर बाय जो रेजिस्टेंस है वो आपका रहेगा। कितना ज़बरदस्त वर्क करता है आप देखो, ये रहेगा, ये आपका क्या हो गया बुलिश इनसाइड कैंडल, ठीक है। आप मैं आपको बेरिश इनसाइड कैंडल बना देता हूँ, कैसे दिखेगा बेरिश इनसाइड कैंडल। तो ये आपको ये कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए, मैं जैसे आपको मैं रूल रेगुलेशन बता दिया था पहले, ठीक है, ऐसे आपको बनेगा। ये आपको फर्स्ट कैंडल बेरिश इनसाइड कैंडल फर्स्ट रहेगा रेड, दूसरा इनसाइड कैंडल हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रीन ही रहता ज़्यादातर, तो ग्रीन भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड कैंडल रेड रहेगा। और जब भी ये उसको ब्रेक करता है, ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता है, आपको एंट्री लेना, स्टॉप लॉस आपको ये लगाना है 1:2, 1:3, जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वो आपको टारगेट रहेगा, ईजिली अचीव होगा मेरा भाई, ईजिली अचीव हो जाएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो ये है, ऐसे करेंगे तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा मेरा भाई। चलिए आप आगे मैं आपको बताता हूँ आगे इसको कैसे, और आगे बहुत ऑलमोस्ट ये रेगुलर ट्रेड देता ही है, वो ऑलमोस्ट रेगुलर ही ट्रेड देता ही है, मैं जब भी देखता हूँ जब भी ऑलमोस्ट ट्रेड देता है। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता दिया, आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट में भी ये इनसाइड कैंडल आज बना था। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे गया, बना कहाँ है देखिए, ये नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है, ये इसका रेजिस्टेंस है,
ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका देखिए रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे कंसोल करके नीचे गिरा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल क्या है, रेड बना है, दूसरा कैंडल ग्रीन बना है, इसके बाद रेड कैंडल। जब भी इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करते तो आपको एंट्री लेना है, जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है 1:3, 1:4 रेशियो, तो आपको इजीली ही मिल जाएगा मेरे भाई, इजीली 1:3 रेशियो तो मिलना ही मिलना है, और कभी कभी तो 1:5 उससे भी ज़्यादा दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टारगेट मिला है, 1:3 रेशियो यहाँ पे आपको एलईडी यहाँ पे भी मिल गया। मेरे हिसाब से इससे अच्छा स्टेज आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको ये सपोर्ट स्टेज इसलिए ड्रॉ करके दिया जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। सपोर्ट स्टेज ड्रॉ करके अगर इनसाइड कैंडल जब बनता है तो आपको देखिए माला माल पैसा कर ही देगा यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे गया, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना है। यहाँ पे गौर करना ये वाला देखो, यहाँ पे कहाँ वाला मैं बोला कि आज का जो हाई लो है ना, अगर रेजिस्टेंस के पास इनसाइड कैंडल बनता है तो ज़बरदस्त वर्क करता है। मैं क्या बोला, ये ग्रीन भी हो सकता है, तो फर्स्ट कैंडल देखिए ग्रीन बना है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन है, तीसरा कैंडल भी ग्रीन है, और जब ये बीच वाला कैंडल है उसको ब्रेक करता है तो वहाँ पर आपको एंट्री लेना, ये आपको स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वो आपको रख सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त है आपका प्रॉफिट हुआ, कभी भी धोखा नहीं देता मेरे भाई, जब भी मैं इसको यूज़ किया हूँ मुझे तो आज तक धोखा नहीं दिया। उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ये रेगुलर ही ट्रेड देता है, मेरे रेगुलर ही ऑलमोस्ट वो ट्रेडिंग ट्रेड देता ही देता है। उसको निफ्टी 5 मिनट, निफ्टी 3 मिनट में, 5 मिनट में, आप 15 मिनट, तीनों में यूज कर सकते हैं और हर जगह ही आपको प्रॉफिट ही देगा। फिर अगेन यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे भी देखो, यहीं पे सेम है मार्केट, क्या हुआ नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। यहाँ पे देखो ये आपको एक इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल की थोड़ा बहुत वीक चलता है, और जब भी इसको ब्रेक किया देखो टारगेट आपको ज़बरदस्त मिला, खतरनाक टारगेट आपको मिला। ये जैसे इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट ज़बरदस्त मिला है यहाँ पे। मैं जब तक, जब से इसको यूज कर रहा हूँ मुझे आज तक धोखा नहीं दिया है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको भी धोखा नहीं देगा मेरा भाई। जब भी ये कैंडल बनता है ज़बरदस्त प्रॉफिट ही देता है, जब भी बनता है तो। यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बना है, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे देखिए जब भी इसको ब्रेक किया आप, जैसे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना था, देखो टारगेट आपको कितना ज़बरदस्त मिला है। मतलब ऑलमोस्ट बुलिश इनसाइड कैंडल रहेगा तो बीच में, ऑलमोस्ट बीच में जो कैंडल होता है ना वो रेड ही रहता है, अब बेरिश कैंडल बनता है तो बीच का जो कैंडल है ऑलमोस्ट ग्रीन ही रहता है, और ऑलमोस्ट रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रहेगा, हो भी सकता है लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर रहता है। और भी हम आपको दिखाते हैं, हम हर रोज़ एक वरना दो, हर रोज़ कभी न कभी ये बन ही जाता है, हर रोज़ मुझे दिखाई देता है ये कैंडल। और भी आपको दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे भी देखिए, मैं क्या बोला आज का जो हाई लो, ये इसका हाई था अभी का, आज का जो भी है, जब भी इसको ब्रेक किया वहाँ पे आपको एंट्री लेना, जस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट देखो आपको कितना बड़ा मिला है, कितना बड़ा टारगेट आपको मिला, ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे भी आपको मिला है। मुझे आज तक मैं जब भी इसको यूज किया मुझे धोखा नहीं दिया मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपको भी नहीं देगा। बस उसको आप सही से यूज करना है कैसे मैं आपको बता दिया, बस उसको आप फॉलो करके देखो, 1-2 महीने आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। कितना ज़बरदस्त वर्क करता है मैं आपको भी बता, आज भी देखिए, आज भी आपको बता ही दिया कि आज भी कितना ट्रेड मिला, और ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल पर 2 या 3 ट्रेड आज की डेट में मिला। आज के डेट में देखो, इसको ब्रेक किया टारगेट ज़बरदस्त मिला, इसको ब्रेक किया टारगेट आपको ज़बरदस्त मिला, फिर अगेन एक और था 5 मिनट में वो मिला, ज़बरदस्त आपको टारगेट मिला, यहाँ पे भी था 5 मिनट में। तो आप इसको एक अप्लाई करके देखो, यहाँ पे भी देखो,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, कभी धोखा नहीं देगा। इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और टारगेट बहुत ही बड़ा रहता है। और भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग है तो कमेंट करना, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं जैसे मैं आपको हेल्प करता था, मुझे भी करो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो मैं ज़रूर बोलूँगा फ्री में, अगर ब्रोकर चार्ज नहीं देना है तो आप एम स्टॉक का यूज कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर दोस्तों। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.